मेरे दिव्य गुरुदेव श्री परमहंस योगानंद जी, सफलता का अर्थ है आपको जो चाहिए उसे प्राप्त करने की रचनात्मक शक्ति। सफलता को इस बात से नहीं मापा जाता है कि आपके पास कितनी भौतिक संपत्ति है, बल्कि यह है कि क्या आप अपनी इच्छानुसार वह बनाने में सक्षम हैं। जिसकी आपको आवश्यकता है उस शक्ति के बारे में सोचो। यह अतिचेतन मन आत्मा की अनंत क्षमता से आता है। यदि आप उस शक्ति का उपयोग अपनी रचनात्मक क्षमता को बढ़ाने के लिए करते हैं, तो आप अपने रास्ते में बाधा डालने वाली किसी भी कठिनाई को दूर कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपको एक कार की आवश्यकता है और आपके पास इसे सही तरीकों से प्राप्त करने की शक्ति है, यही सफलता है। मान लीजिए कि आपको एक घर की जरूरत है और आपके पास इसे हासिल करने की शक्ति है, आप सफल हैं। मान लीजिए कि आप अपने जीवन को साझा करने के लिए सही साथी चाहते हैं और आप भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वह आपका मार्गदर्शन करें और आपको वह व्यक्ति मिल जाए, ये सफलता है। लेकिन उस शक्ति को कैसे हासिल किया जाए जो इच्छानुसार उस तरह की सफलता दिलाती है? उन परिस्थितियों को कैसे नियंत्रित करें जो आपकी स्वनिर्मित कारण प्रभाव नियति द्वारा नियंत्रित होने के बजाय सफलता को बढ़ावा देती हैं? दुनिया में बहुत कम लोग अपने भाग्य को नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त दृढ़ संकल्प और इच्छा शक्ति दिखाते हैं। अपनी तात्कालिक जरूरतों पर विचार करें और हमेशा भगवान से प्रार्थना करें कि आपके पास उन्हें पूरा करने के लिए रचनात्मक शक्ति और इच्छा शक्ति हो। याद रखें कि मनुष्य ने कुछ भी आविष्कार नहीं किया है, वह केवल वही खोज पाता है जो ईश्वर ने पहले ही अपनी विचारधाराओं में बना लिया था और विचार के कारण संसार में प्रकट कर दिया था, जहां से स्वर्ग और पृथ्वी की सभी चीजें अस्तित्व में आती हैं। इसलिए सफलता का रहस्य अधिक से अधिक ईश्वर के साथ जुड़ना है। 3 रचनात्मक शक्तियां, चेतन, अवचेतन और अतिचेतन मन। आपके पास आपके निर्माता द्वारा दी गई 3 जबरदस्त शक्तियां हैं। आपका चेतन मन, अवचेतन मन और अतिचेतन मन। आप अधिकतर अपने चेतन मन का उपयोग उसके संवेदी इनपुट और तर्क करने की क्षमता के साथ करते हैं। आप अन्य 2 दिमागों से उतने परिचित नहीं हैं, इसलिए उनकी क्षमता काफी हद तक अविकसित रहती है। पर्यावरण सचेत प्रयास को प्रभावित करता है। किसी समुदाय में कोई व्यक्ति एक सफल व्यवसाय बनाता है और अचानक अन्य लोग उस क्षेत्र को समान प्रतिद्वंद्वी व्यवसाय शुरू करने के लिए एक उपजाऊ अवसर के रूप में देखते हैं, परिणाम स्वरूप कुछ का असफल होना तय है। किसी को अपने प्रयास के क्षेत्र में पर्यावरण के संभावित प्रभावों पर विचार करने के लिए विवेकशील तर्क की सारी शक्ति का उपयोग करने की आवश्यकता है। गलत सोच वाले जल्दबाजी में लिए गए निर्णय विफलता का एक निश्चित सूत्र हैं और चेतन मन की मदद करने की इच्छुक क्षमताओं का अपमान है। सफलता का अवसर सदैव मौजूद रहता है। अवसरों पर नजर रखने के लिए अपनी चेतन मन की शक्ति को प्रशिक्षित करें। उन छोटे छोटे खुलेपन को पहचानें जो आपको वहां ले जाते हैं जहां आप जाना चाहते हैं, और उन अवसरों को जब्त करने के लिए जो आपके लक्ष्यों के अनुरूप हैं। हर ईमानदार प्रयास में सफल होने के लिए अपने चेतन मन का उपयोग करें। उस मन में बहुत क्षमता है, तर्क, विवेक, रचनात्मक विचार, इच्छा शक्ति, एकाग्रता। अधिक जागरूक होकर अवसरों की तलाश करें और फिर अपने कार्यों में एकाग्रता के साथ खुद को लगाएं। सबसे पहले अपनी क्षमताओं का पता लगाएं और फिर खुद को लागू करें। जिस चीज में आपकी रुचि हो उसके पीछे जाएं। सफलता के बीज उत्साही रुचि से सर्वोत्तम रूप से विकसित होते हैं। गलत प्रभावों में न पड़ें। पर्यावरण और लोगों के सुझावों द्वारा उस पर लगाई गई सीमाओं से चेतन मन आसानी से हतोत्साहित हो जाता है। शुरुआत में मेरे परिवार ने मुझे बेकार समझा क्योंकि मैंने दुनिया का प्रसाद नहीं चाहा, लेकिन मैंने उनके अपमानजनक विचारों का विरोध किया। जैसे ही आप बाहरी परिस्थितियों और नकारने वालों की सीमाओं को स्वीकार करते हैं,
आपकी रचनात्मकता और सफल होने की इच्छा शक्ति पंगु हो जाती है। यह विश्लेषण उन सभी पर लागू होता है जो जीवन में असफल हुए हैं। अवचेतन मन का उपयोग करना। भाग्य को नियंत्रित करने में अपने अवचेतन मन के उपकरण को नियोजित करना है। चेतन मन के पीछे मानसिक संकाय, वह मन स्मृति और आदत मन है। यह आपके सभी अनुभवों को संग्रहित करता है और आपके विचारों और कार्यों को आदत पैटर्न में ठोस बनाता है। आप जो कुछ भी सचेतन ध्यान से करते हैं, आपका अवचेतन मन आपके मस्तिष्क में उसका एक खाका तैयार कर लेता है। यदि आप सोचते हैं कि आप असफल हैं, तो आपके अवचेतन मन में विफलता का एक खाका तैयार हो जाता है। वह पूर्व निर्धारित निष्कर्ष सफलता की प्रक्रियाओं के लिए विनाशकारी है, जो लोगों के असफल होने का एक प्रमुख कारण है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि जीवन में आपकी परिस्थितियां कैसी हैं या आपके प्रयासों का परिणाम क्या है। आपको असफलता के बारे में सोचने, उस विश्वास से अपने मन को सम्मोहित करने का कोई अधिकार नहीं है। जो कुछ भी आप पूरा करना चाहते हैं, विपरीत प्रमाणों के बावजूद उसकी प्राप्ति की प्रतिज्ञा करें और उस पर विश्वास करें। अपने अवचेतन मन में सफलता का पैटर्न बनाएं और उसे अपने लिए कार्यान्वित करें। शांति से बैठें और अपने लक्ष्य के बारे में गहराई से सोचें। इसे कैसे प्राप्त करें, इस पर ध्यान केंद्रित करें। जब आप शांत होते हैं, जब आपके बेचैन और यह नहीं कर सकते विचार शांत हो जाते हैं, तो आपके अवचेतन मन में नए दृढ़ विश्वास आपकी मदद कर सकते हैं। जैसे जैसे आप विचार में गहराई तक जाते हैं और किसी समस्या के बारे में सोचना शुरू करते हैं, आप चेतन मन की सीमाओं से परे जाते हैं और यादों से और अवचेतन मन की कल्पनाशील रचनात्मकता से मूल्यवान जानकारी को तर्क की सचेत प्रक्रियाओं में शामिल कर सकते हैं। अतिचेतन मन की सर्वज्ञ शक्ति। अवचेतन मन के पीछे अतिचेतन मन है, आपके भीतर ईश्वर की शक्ति, असीमित नियंत्रण की शक्ति अतिचेतन मन में निहित है। उस मन को विफलता का सुझाव नहीं दिया जा सकता है, लेकिन विफलता के सुझाव से उस पर ग्रहण लगाया जा सकता है। अतिचेतन मन आत्मा की सर्वज्ञ अंतर्ज्ञानी चेतना है। उस मन को ध्यान में गहरी एकाग्रता और आत्म संपर्क में लगाया जा सकता है। अपने आप को हमेशा याद दिलाएं, चाहे कुछ भी आए, मुझ में सफल होने की शक्ति है, और यद्यपि चेतन मन मेरे वातावरण के अनुरूप है, भगवान ने मुझे अतिचेतन मन और अवचेतन मन में असीमित शक्ति दी है। जैसे ही मैं उन पर नियंत्रण करना शुरू कर दूंगा, मैं अपने भाग्य को नियंत्रित करने में सक्षम हो जाऊंगा। आपके चेतन मन की शक्तियों के प्रयोग की कमी और आपके अवचेतन मन में जमी बुरी आदतों के अलावा आपके भाग्य में कोई दोष नहीं है। तुम्हें कभी निराश नहीं होना चाहिए। हतोत्साहित होना असफलता को स्वीकार करना है, अपने आप को असफलता के साथ ट्रेडमार्क करना है। यदि आपका चेतन मन कहता है, मैं यह नहीं कर सकता, तो अवचेतन मन उस असफल विचार को रिकॉर्ड कर लेता है, और जितना अधिक आप नकारात्मक सोचते हैं, उतनी ही गहराई से आप उस विफलता के विचार को अपने अवचेतन मन की लाइब्रेरी में ले जाते हैं। तब आपका काम हो गया। जब तक कि आप दोबारा सोचने और आत्मविश्वासपूर्ण इच्छा शक्ति के साथ कार्य करने के लिए सकारात्मक कदम उठाकर विफलता के लगातार दृढ़ विश्वास को दूर करने का सचेत प्रयास नहीं करते, जब आप सोचते हैं, मैं सफल हो सकता हूं, तो इसे इतनी गहराई से सोचें कि आप विफलता की किसी भी धारणा को बाहर निकाल दें। यदि आप 9 बार सफल होने का प्रयास करते हैं लेकिन असफल हो जाते हैं, तो भी आप 10वीं बार प्रयास कर सकते हैं। हार नहीं माने, असफलता को कभी स्वीकार न करें।